सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो थिंकिंग पैरामीटर्स डिफाइन हो चुके हैं उनको रीडिफाइन करें। बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया है, आप उसे इंस्पायर हो तो गए हैं उसके ग्राफिक से, लेकिन आपके अंदर भी वही एस्थेटिक सेंस हो और आप भी कोई उसके अंदर एक अछूता शाकार बना सकें। मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक, हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और इसी का हमारा जो एक पोर्टफोलियो है वो PNY पिंक भी है, जिसमें हम खवातीन से रिलेटेड बात करते हैं, और इसी में हमारा पोर्टफोलियो है PNY ट्रेनिंग्स, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। और स्पेशली हमारी कोशिश होती है कि हम यंगस्टर्स तक या किसी की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन का काम कर सके। और हम आपके सामने डिफरेंट गेस्ट लेकर आते हैं जो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, HR, मीडिया, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं। आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कि कितनी ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए या एक तालिबे इल्म के लिए कैरियर काउंसलिंग, ताकि वो अपने आप को एक बेहतरीन ऑप्शन की तरफ परसू कर सके, ताकि आगे फर्दर जाकर उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम बाय प्रेशर कोई ना कोई ऐसे फील्ड चूज कर लेते हैं जो हमें फैमिली की वजह से करनी पड़ती है, लेकिन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट कि हमें शायद ये ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। एहसन मिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ग्रोथ फैब इंटेल पे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे स्पेशली यंगस्टर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अप फॉर दिस। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी मैं बात कर रही थी, हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का अब आके थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है, लेकिन बहुत सी जगहों पे अभी भी स्टिल अवेयरनेस नहीं है। हम लोग बाय प्रेशर पेरेंट्स की विल की वजह से कि मेरा बच्चा ये बने, जो ख्वाहिशात मैं नहीं कर सका, मैं चाहता हूँ मेरी अगली जनरेशन किसी ना किसी तरह से फुलफ़िल करे। तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दैट? देखिए बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं माफिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक ये चीज़ ख्याल तासुर देना अपने बच्चे को कि मैं ये नहीं कर सका लिहाजा तुम ये कर लो, या तो आप ये देखें कि पहले आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को आपने उसकी साइक एवेल्यूएशन की है, क्या आपने उसके रुझान को स्टडी किया है, आपने देखा है कि उसका एप्टीट्यूड है उस चीज़ के लिए जिसको आप बनाना चाहते हैं। मसलन आप अगर उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर वाकई इंजीनियरिंग के मसलन किसी तरह की कोई इंस्पिरेशन है, और ये सारी चीज़ें नामुमकिन नहीं है माँ बाप के लिए जो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मतलब उनकी अवलिन तरजीह ये होती है कि वो बच्चों को देख रहे होते हैं कि बच्चों का रुझान किस तरफ है, ठीक है। और इवन के जो स्कूल्स के अंदर भी जब वो जा रहे होते हैं तो उनसे उनको पता चल रहा होता है कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और किस में उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है या मार्क्स नहीं आ रहे। तो हम जब उसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं कि नहीं, मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उस बच्चे की अच्छा उनका बच्चों के ऊपर प्रेशर क्या होता है कि जी मैथ्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो फिर आ जाए। वो इस चीज़ को समझने से कासर हैं कि जो बच्चा वहाँ पर जा रहा है जिस स्कूल के अंदर, ठीक है वहाँ पे 30 से 40 बच्चों की अगर क्लास है और टीचर ने अगर 5 बच्चे समझ गए ना, तो टीचर ये समझता है कि उसने सारे बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो 35 बच्चे बाकी हैं वो भी उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो उनकी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग नहीं है, पहली तो हमारे सबसे बड़ा मसला ये। और हम क्या करते हैं कि एक ही स्टेप्स के थ्रू जिस तरीके से हमने एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है ना, हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजीज में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसी है, टीचर नीड्स टू बी ट्रेन्ड ऑन दैट। मसलन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का कॉन्सेप्ट कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर, और आप देखें कि उनके जो बच्चे हैं वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप उनके सामने मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन रख देंगे तो उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। अब इसी तरह को दूसरे स्कूल्स के ऊपर ले जाएं जो कि प्राइवेट भी हैं, लेकिन उनका टीचिंग मैथडोलॉजीज जो हैं दे आर लाइक सिमिलर टू जैसे स्टीरियोटाइपिकल टीचिंग मैथडोलॉजीज हैं। उसका जो बच्चा होगा वो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे नहीं है, वो राउट लर्निंग के ऊपर है। उसने स्टेप्स को फॉलो किया है, जहन नशीन किया है बार बार करके। अब वो दोबारा अगर उसके मिसाल के तौर पे वो इक्वेशन नहीं आती, ठीक है आउट ऑफ द कोर्स आ जाएगा कोई चीज़, तो वो उसके लिए करना उसको एवेलुएट करना उस इक्वेशन को बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, अब हम इन तमाम तर चीज़ों पर तो तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते कि क्या वो बच्चा साइंस और आर्ट्स के अंदर है, मेरा मतलब साइंस के अंदर है या आर्ट्स के अंदर है, ठीक है। और अगर उसका आर्टिस्टिक माइंड है तो हम या म्यूज़िक की तरफ रुझान है उसका, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है, ठीक है। आपने एक बच्चे को बना दिया, मैट्रिक तक वो पहुँच गया, अब यहाँ पर आके उसने डिसाइड किया कि आइदर ही वुड गो फॉर FSC प्री इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहा है, साइंस में जाना चाह रहा है या आर्ट्स में, 92-95% डायल जो आपके बच्चों की है वो साइंस की तरफ ही जा रही है। अच्छा, अब साइंस की तरफ जिस वक्त जाती है तो उसके पास भी बड़ी लिमिटेड चॉइसेस रह जाती हैं। उन लिमिटेड चॉइसेस के अंदर क्या हो जाता है कि आप कहते हैं या तो आप प्री इंजीनियरिंग में जाएंगे या प्री मेडिकल में जाएंगे, और या फिर आप कंप्यूटर्स की चॉइस में चले जाते हैं जिसे आप ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज कहते हैं। ओके, बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक और सब्जेक्ट जो है वो करा दिया, हमारे ज़माने में तो ये सब्जेक्ट हुआ ही नहीं करते थे। अब कंप्यूटर साइंसेस का एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि कंप्यूटर साइंसेस करने के बाद हर बंदा जो है ना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएगा, ठीक है। या जिस तरीके से प्री FSC के मतलब आप प्री मेडिकल के अंदर जिस वक्त होते हैं तो आपके पास चॉइस कोई नहीं रह जाती, उसमें से भी जो बच्चे लेटर ऑन ये रियलाइज़ करते हैं कि जी वो मेडिसिन की फील्ड के अंदर नहीं जा सकते, बायोलॉजी के साथ उनका एक इंटरेस्ट था जो कि पीयर प्रेशर थ्रू पीयर प्रेशर बहुत डेवलपमेंट है हमारी। मतलब बच्चे देख रहे हैं कि मेरी सहेली ने क्या किया या दोस्त ने क्या किया तो वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपने माँ बाप को कन्विंस कर रहे होते हैं कि मेरी सहेली चूँकि ये कर रही है या मेरा दोस्त चूँकि ये कर रहा है तो मुझे भी उसके साथ करना और मेरा इंटरेस्ट है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को पहले वो एवेल्युएट करें। मतलब अगर वो खुद एवेल्युएट नहीं कर सकते तो वो किसी मेरा मतलब है कि प्रोफेशनल हेल्प्स को कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके टीचर से मिले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है सुबह का वक्त 8 से 9 घंटे जो हैं वो स्कूल के अंदर गुजार के आए हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर लाया करती है। मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर तो है ही है, ये टीचर्स के ऊपर भी है कि वो पेरेंट्स को बुला कर वो बताएँ कि आपका बच्चा जो है उसके स्किल सेट्स इसमें डेवलप हो सकते हैं, आप इसके ऊपर फोकस करें। मसलन कोई आर्ट्स की टीचर अगर देखती है कि बच्चे का जो नमूना है जिस पर उसने रंग भरे हैं या उसकी अपनी कोई एक एबिलिटी है जिसकी वजह से उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई थॉट प्रोसेस करके कोई ऐसा आर्टिस्टिक टच दिया है, किसी कलर के अंदर ही दे दिया है, कॉम्बिनेशन के अंदर दिया है, तो वो उससे पूछे कि ये तुमने क्यों किया और वो उसके पेरेंट्स के सामने ये तमाम तर चीज़ें रखे ताकि उनको पता चल सके कि जी हम अगर अपना फैसला इस पर थोपने लगे हैं तो उससे बेहतर ये है कि हम देखें कि हमारे बच्चे का फ्यूचर किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब एक छोटी चीज़ नहीं है इसके अंदर, कोई मैं आपको कहूँ कि जी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप खिला दें तो बच्चे की एबिलिटी चेंज हो जाएगी या माँ बाप का सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा या आप ये समझ लें कि जी हम बच्चे को कह दें कि जी आप ये नहीं तो ये कर लो तो वो कर लेगा। बिल्कुल ठीक है ना। इसमें दो चीज़ें मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इंसान है ना आप उसको रेज नहीं कर सकते। यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पेरेंट्स कि जी हम हाउ टू रेज अ किड, आई मीन अगर आप गूगल के सर्च करें तो वहाँ पर भी है। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी रेज्ड, यू कैन नॉट रेज अ ह्यूमन बींग, क्योंकि बाय रेजिंग यू मीन कि यू आर टेलिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप उसकी पर्सनैलिटी को डिवेलप कर रहे हैं, आप एवेलुएट नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी जानवर के पास चले जाए, मसलन आप बिल्ली और कुत्ते को या जो भी आपके पालतू पेट्स हैं आप उसको गोश्त नहीं खिलाएंगे, आप ये कभी भी नहीं कर सकते कि आप उसको वहाँ पर जाकर तो सब्जी खिलाना शुरू कर दो। जो जानवर सब्जी खाता ही नहीं है वो कैसे सब्जी खाएगा, ठीक है। तो आप उसको मजबूर करेंगे वो सब्जी खा ले, वो नहीं खा सकता क्योंकि उसकी मसलन उसकी जबिलत के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, ठीक है ना। और जब आप फितरती अमल के अगेंस्ट किसी भी चीज़ को लेकर जाएंगे जो कि इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक नहीं होगा तो आप देखेंगे वहाँ पर हमेशा जैसे कहेंगे ना कि रेबेलियस माइंड, एक रेबल स्ट्रीक बच्चे के अंदर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। या तो वो कुछ उस चीज़ को करेगा या उसको नहीं करेगा, और करेगा भी तो ये दिखाने के लिए करेगा कि जी मैं नहीं कर सकता, ये ले देख लें आप, ठीक है। और अगर वो करेगा तो ये बताने के लिए करेगा कि लो मैंने कर ली है, आप देखें इसका रिजल्ट क्या। तो इन ईदर वेज यू फेल योर सेल्फ एज अ पेरेंट, यू फेल योर सेल्फ एज अ सोसाइटी, यू फेल योर सेल्फ एज अ टीचर। ये तमाम तर चीज़ें जिस वक्त आप समझना शुरू कर देंगे ये पेरेंट्स को और हमारे माशरती निज़ाम के अंदर ये चीज़ों का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। कि जिन चीज़ों के ऊपर जिनको जिन स्टूडेंट्स को या जिन बच्चों को जिनको हम कौम के मुमार कहते हैं, ठीक है, तो हम ये तो देखें कि हम उनके लिए मुस्तकबिल क्या देना चाह रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस क्या हैं जिस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं,
उनकी थिंकिंग एबिलिटीज के ऊपर आपने ताला लगा के रख दिया। आप उनको बताते हैं कि ये आपके थिंकिंग पैरामीटर्स हैं, ये आपकी चॉइसेस हैं इन लाइफ, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक, और आप इन चॉइसेस अगर हट जाएंगे तो यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन। लास्ट में चाहूंगी आप हमारे ऑडियंस के साथ कोई मैसेज शेयर करना चाहूंगा। मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं सिर्फ उनको एक ही बात कहूंगा कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो थिंकिंग पैरामीटर्स डिफाइन हो चुके हैं उनको रीडिफाइन करें। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया है, आप उसे इंस्पायर हो तो गए हैं उसके ग्राफिक्स से, लेकिन आपके अंदर भी वही एस्थेटिक सेंस हो और आप भी कोई उसके अंदर एक अछूता शाकार बना सकें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी इंजीनियर से इंस्पायर हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ही अच्छे इंजीनियर बन सकते। इसी तरीके से मतलब आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लें, आप आतिफ असलम से अगर इंस्पायर हो गए हैं तो मैं नहीं समझता कि हर बंदा आतिफ असलम बन सकता है। ठीक है, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर, इफ यू आर अनेबल टू डू दैट प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। और प्रोफेशनल हेल्प से बाय आई डोंट मीन कि जी आप किसी को पैसे दे के लें, आप किसी भी बंदे से अपने आप को एवेलुएट कराएं और वो आपको बता सके जो आपको जानता हो या ना भी जानता हो। देखें एवेल्यूएशन के बहुत से प्रोसेसेस हैं, देखें कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है और उस एबिलिटी को आप और ज़्यादा इन्हेंस करें ताकि आपको प्रोफेशनल चॉइसेस के अंदर ठीक है मसलन मिल सके कि आपने कौन सी प्रोफेशन को चूज़ करना। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।